नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड का। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड का शेयर 23 अप्रैल को 14 रुपए पर बंद हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड की बात की जाए तो यह बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, यानी कि 17 साल पहले। इसके जो फाउंडर है वे राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो यह प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है वे है क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन्स, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। और दोस्तों इसमें 18,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं, 1,000 से भी ज्यादा इसकी ब्रांचेज हैं, और इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें इसका नेटवर्क फैला हुआ है, तो काफी बड़ा बैंक है। और दोस्तों इसका जो ओनर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 350.77 बिलियन का मार्केट कैप है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका ओनर कैसे बना ये मैं आपको बता दूं कि राणा कपूर जी ने इस तरीके से लोन्स बांटे कि वह रिकवर नहीं हो पाए और बैंक की हालत काफी खराब हो गई। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बीच में आना पड़ा और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है दोस्तों श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि यस बैंक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लाएं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया और 11 से 12 रुपए के बीच में एफपीओ आया था जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहा। और दोस्तों यस बैंक में बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैंकों की शेयर होल्डिंग है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% इसमें शेयर होल्डिंग है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की 3.99% की शेयर होल्डिंग है, एक्सिस बैंक लिमिटेड की 1.96% की शेयर होल्डिंग है, बंधन बैंक की 1.2% की शेयर होल्डिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की इसमें 1.15% की शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैंकों की दोस्तों इसमें शेयर होल्डिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसको पूरा सपोर्ट है, भारत सरकार का भी इसको पूरा सपोर्ट है, और अभी दोस्तों बजट में भी बैड बैंक के गठन की घोषणा की गई है। तो बहुत ही जल्द यस बैंक लिमिटेड के जो भी बैड लोन्स हैं और जो एनपीए हैं उस बैड बैंक को मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और यहां से इसका स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा सकता है। और दोस्तों अभी 10,000 करोड़ रुपए भी फंड रेज होने वाला है, उसके लिए ई वोटिंग कंप्लीट हो गई है, और अभी दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है Q4 रिजल्ट 30 अप्रैल 2021 को जैसे ही अनाउंस होगा उसके बाद दोस्तों फंड रेजिंग भी की जाएगी, किस प्राइस पर की जाएगी और कौन कौन उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अभी यस बैंक ने 1200 करोड़ रुपए की बैड लोन्स की रिकवरी की है रिलायंस इंफ्रा से। अनिल अंबानी जी का जो हेडक्वार्टर था सांता क्रूज में उसको 1200 करोड़ रुपए में दोस्तों अनिल अंबानी जी ने यस बैंक को बेचा है। तो 1200 करोड़ रुपए की दोस्तों यह रिकवरी हो चुकी है, और दोस्तों इस क्वार्टरली रिजल्ट में 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो पूरा मिला के दोस्तों 1800 करोड़ रुपए के करीब प्रॉफिट आ सकता है इस Q4 रिजल्ट में। तो जैसे ही दोस्तों Q4 रिजल्ट अनाउंस होगा इसका स्टॉक प्राइस यहां से काफी ऊपर जा सकता है। आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं कि 2018 में इसने हाई लगाया है 404 रुपए का। तो दोस्तों यहां से बाउंस बैक का चार्ट पैटर्न बन रहा है, आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग यस बैंक लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाई कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए, और दोस्तों आप इसको अगले 4 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 4 से 5 साल में यह स्टॉक 395 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।